नहीं, ये तो एक जो आपस में भाईचारा है, एक सद्भावना है, तो सिद्दीकी जी को बड़ा धन्यवाद दे हम इस बात के लिए, उन्होंने इस तरह का प्रोग्राम करा। एक भाईचारे की मिसाल जो हिंदू मुस्लिम सिख एकता की मिसाल है वो आज देखने को मिली, तो बड़ा अच्छा लगा। इस तरह के प्रोग्राम होते रहने चाहिए, जो समाज में कुछ समय बाद जो दूरियां रहे पहले, तो वे कुछ समय के बाद वे ख़त्म हो जाए, तो इस तरह की बात होती रहनी चाहिए। नहीं, रंजिश की तो नहीं बात, ये तो प्यार का त्यौहार है, इसमें तो सब ईद होली दिवाली है तो प्यार का है, इसमें रंजिश की क्या ऐसी बात है। इसमें रंजिश नहीं चाहती, रंजिश तो कभी भी नहीं चाहती, रंजिश बढ़िया थोड़ा ही रहे। आपस में मिल बैठ कर, पढ़ा लिखा समाज है, मिल बैठ कर अपनी बात करे, सारी बात ठीक रहे। रंजिश तो बेकार है, रंजिश तो अनपढ़ आदमी की हुआ है। अजी आज तो भाईचारे की हुआ करो, कुछ नहीं से बात है, तो जो ये अच्छी सोच नहीं रहती आदमी को, सब अच्छी सोच रखनी चाह। और किसी के कोई भी हो, कोई जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी तो हो, किसी मजहब को, उस पर टिप्पा टिप्पणी अच्छी नहीं रहती बातचीत है। तो अब तो सब तो यही बात, होली का त्यौहार नज़दीक आ रहा है, ऐसे मनाओ भाई। एक है मुख्यमंत्री है हमारे, धन्यवाद है, इस तरह की बात है, न अच्छी बात है, प्रदेश के लिए अच्छी सोच रखे और मिल बैठ कर बात करे, ठीक रहे यही है। ये एक मेरे हिसाब से ऐतिहासिक दिन है, और मैं मुबारकबाद देता हूँ यहाँ इस प्रोग्राम को करने वाले सद्भावना मंच के सभी सदस्यों का, यहाँ आए सभी लोगों को। ये एक बहुत बड़ी उम्मीद की किरण है, क्योंकि देखिए कुछ भी हो, बिना भाईचारे के देश नहीं चल सकता। सभी एक दूसरे के पूरक हों, एक दूसरे के प्रोग्राम में सम्मिलित हों, एक दूसरे के साथ रहें, इसी का नाम भाईचारा है और इसी का नाम भारत है।